जहां पूरा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है, वहीं आए दिन कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन की थोड़ी सी ढील ने कोरोना महामारी को और आगे बढ़ने का मौका दे दिया है। जहां पहले प्रशासन के द्वारा कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों को कड़ाई से पालन कराया जा रहा था, जिससे संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी थी। नवबारा समाचार, शहडोल, मध्य प्रदेश से पंकज राव। जी, आज क्या विषय लेकर आप लोग आए हैं और क्या ज्ञापन दे रहे हैं? हम लोग शहर में लॉकडाउन के लिए यहाँ पर सम्माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए थे कि जिस तरह से पूर्व में 3-4 महीने लगातार लॉकडाउन किया गया था और उस समय शहर की स्थिति जो थी वो बहुत ही बेहतर थी, पर अभी चूंकि जो हम सभी देख पा रहे हैं कि शहर में नित प्रतिदिन संक्रमित व्यक्तियों की संख्या जो है उसमें तेजी से इजाफा हो रहा है और हम चाहते हैं कि उस कड़ी को तोड़ा जा सके, उस पर अंकुश लगाया जा सके, उसको लेकर हम 9-10 विषयों पर आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है हमने। और हम चाहते हैं पुनः 15 दिन के लिए लॉकडाउन किया जाए। अगर पूर्णतः लॉकडाउन संभव नहीं है तो उसका विकल्प भी हमने दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि मार्केट खुला रहे और उसके बाद भी संक्रमित व्यक्तियों के लिए अंकुश लगाया जा सके, तो उसके लिए हमने और भी चीज़ें रखी हैं कि जो बाइक पर डबलिंग ट्रिपलिंग हो रही है, 2-3 लोग बैठ कर घूम रहे हैं, उसमें इस तरह का नियम बनाया जाए कि कोई भी व्यक्ति बाइक में एक व्यक्ति से ज़्यादा नहीं रहेगा। इसके अलावा जितने भी संक्रमित व्यक्ति हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में अभी इतनी ज़्यादा संख्या अब वहाँ पर उपस्थित नहीं है कि वहाँ पर ज़्यादा बेड नहीं है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग भी होम आइसोलेट किए जा रहे हैं उनका नाम न्यूज़पेपर और मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया जाए ताकि आम आदमी तक जानकारी पहुँच सके कि कौन सा व्यक्ति संक्रमित है। और हम अगर वो सामने वाला जानकारी नहीं भी दे रहा है तो हम स्वयं यह जान सकें कि सामने वाला व्यक्ति संक्रमित है और हमें उससे दूरी बनाकर रखना है। तो इस तरह के कई विषय हैं जिनको लेकर हमने सम्माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और उनसे निवेदन करते हैं कि हमारे शहर को, पूरे शहर को शमशान बनाने से बचा लें। अगर यह लॉकडाउन नहीं हुआ तो हमारा पूरा शहर जो है वो शमशान में तब्दील हो जाएगा। तो हम सभी लोग मिलकर यह प्रयास कर रहे हैं कि लॉकडाउन पुनः किया जाए और जो भी कानूनी कार्यवाही है, जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, अकारण घूम रहे हैं, उनके ऊपर अर्थदंड या शारीरिक दंड से उनको दंडित किया जाए। प्रशासन से क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? उन्होंने तो हमें आश्वासन दिया है कि बिल्कुल आपकी मांग जायज है और इसको जल्द से जल्द हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? राहुल।